हाय फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी की चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज आपको बताने वाला हूँ रेलवे रिक्वायरमेंट के बारे में। जो रेलवे रिक्वायरमेंट ने गवर्नमेंट ने जो एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर कर दी है, तो फ्रेंड्स उसके लिए जो ई रिसिप्ट डाउनलोड करनी पड़ती है, तो उसे कैसे डाउनलोड करें बिना साइबर कैफ जाए, बिना पैसे खर्चे करें, आप अपने फ़ोन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको चले जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक लिंक दी है, रेलवे की ऑफिशियल लिंक है। तो यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पे यहाँ लिंक दी हुई है, क्लिक हियर टू डाउनलोड ई कॉल लेटर। तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा कैंडिडेट लॉगिन इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर लिखा है यूज़र आईडी, आपको अपनी यूज़र आईडी डालनी है। तो जैसे कि मैं अपनी यूज़र आईडी डाल लेता हूँ, और यहाँ पे आपको डेट डालना है, आपका बर्थडे डेट, यहाँ पे आपको मंथ डालना है, और यहाँ पे आपको आपका बर्थडे ईयर डालना है। तो फिर यहाँ पर आपको यहाँ पे नीचे कैप्चा सॉल्व करना होगा, 5B5BZ4T। फिर यहाँ पर आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो आपका कैंडिडेट डिटेल्स यहाँ आपको दिखा रहा है। यहाँ आपको आपका नाम दिखाई देगा, यहाँ आपको आपका फादर का नाम, यहाँ पर आपको कौन से शहर में एग्ज़ाम देने जाना है वो भी आ जाएगा। यहाँ गांधीनगर लिखेला है आया है, जैसे कि मेरे एग्ज़ाम की डेट है 3 अक्टूबर, फर्स्ट शिफ्ट आई है मेरी, एग्ज़ाम का टाइमिंग भी दिया होगा यहाँ पर, यहाँ देखो एग्ज़ाम का टाइमिंग भी है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर प्रिंट लिखा हुआ है, वहाँ पर प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद आपको आपके फ़ोन में PDF तैयार हो जाएगी आपके फ़ोन की। यहाँ से आपको PDF को सेव कर लेना है, सेव एज ए PDF। तो डायरेक्ट आप अपने PDF में सेव कर लेते हो, तो डायरेक्ट आप खाली सिर्फ जाकर अपने प्रिंट निकलवा सकते हो। तो फ्रेंड्स ऐसे डाउनलोड कर सकते हो आप अपने कॉल लेटर को।